नमस्कार, यह है बैग फिलिंग मशीन जो कि बेसिकली ऑयस्टर मशरूम जो कल्टीवेट कर रहे हैं हमारे भाई उनके लिए है। और जो सब्सट्रेट यूज़ करते हैं धान खेर या पेडिस्ट्रो उसके लिए बनाया गया है। ये है इसका लोक, इसको खोल दिया। इसे खोलने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, जो पॉलिथीन हम लोग इस तरह से बंद करके रखते हैं आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग यहाँ से आराम से एकदम लगाना है। देखिए इसे ऊपर करके, यहाँ पर अंदर में लोक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लोक हैं, दो दो साइड में इसको लगा देना है इसे। और फिर इस ऊपर वाले हैंडल को बंद करके लोक कर दिए। तो अभी हमारी पॉलीथीन रेडी है। अब इसके अंदर ये है मेन स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग खेर डालेंगे, और इसको जो है खेर को हमेशा ध्यान रखना है कि खेर डालने के बाद इसे हाथ से थोड़ा सा फिलिंग कर देनी है। अगर आप हाथ से फिलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इससे प्रेशर देंगे ऊपर प्रेशर हैंडल से, तो क्या होगा कि आपका जो खेर है पूरा अंदर फिक्स नहीं होगा और उसमें बीच में एयर गैप वगैरह आ जाएगा। तो हाथ से करेंगे फिलिंग जैसे कि आप वो करते हैं, सिंपल है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। और उसके बाद इससे नीचे लेंगे, प्रेशर देंगे, फिर से सेकेंड लेयर प्रेशर, थर्ड लेयर प्रेशर, फोर्थ लेयर प्रेशर, तो चार लेयर इसमें बनेंगी दो दो इंची की, और आप चाहें तो पांच भी बना सकते हैं, आपकी पॉलीथीन की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और सिर्फ उसके बाद में इसको खोलेंगे और गिरा देंगे तो आपका सिलेंडर बन के नीचे आ जाएगा। अभी हम लोग इसको लाइव दिखाएंगे किस तरह से सिलेंडर बनाया जाता है, और उस पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सिलेंडर बना के दिखाएंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं सिलेंडर बनाना। और पॉलीथीन लॉक हो गया। अभी जो सेकंड चीज़ है, स्पून आप देख ही रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का स्पून आपको लेना है। हालांकि इस मशीन में भी स्पून रखने के लिए हमने एक ट्रे दिया हुआ है, ये ट्रे है जिसको अच्छे से साफ करके स्पून, लेकिन आज क्योंकि हम लोग डेमो कर रहे हैं तो इसलिए हमने स्पून ऐसे ही रखा है। अब बात आती है खेर की या पेडिस्ट्रो की। तो पेडिस्ट्रो यहाँ पर जो कटिंग मुझे मिला है ये थोड़ा लंबा है, ये कटिंग इट मस्ट बी इतना होना चाहिए, करीब दो से तीन इंच जितना छोटा होगा उतना जो है इसमें काम करने में कंफर्टेबल होंगे, और इस मशीन को जो है उतना ही कंफर्टेबिलिटी के साथ आप चला सकते हैं। ज़्यादा लंबा खेर होने से आपको प्रॉब्लम होगा इसे ऑपरेट करने में। ये कुछ मेन चीज़ें हैं, और अभी और एक प्रिकॉशन आपको रखना, वो भी मैं बताऊँगा। तो पॉलीथीन लगाने के बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे गैप है, ये गैप इसलिए रखा गया है जिससे कि जब प्रेशर आप डालेंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए और पॉलीथीन को फाड़ ना दे, इसलिए ये गैप है। और इसको लॉक किया गया है जिससे कि प्रेशर पड़ने पर इसमें ये बैंड ना हो जाए और किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए प्रेशर है। तो शुरू करते हैं। तो स्पून हमने लिया है थोड़ा जो नीचे डाल देते हैं जिससे कि हमारा नीचे का जो एरिया होता है वो भी थोड़ा अच्छा हो जाए। इसके बाद हम लोग खेर डालना शुरू करते हैं। हालांकि लंबी खेर है फिर भी हम लोग इसे अच्छे से ही करेंगे। जब आप खेर डालते हैं तो एक साथ बहुत ज़्यादा खेर ना डालें, और अगर आपका खेर अप्रोप्रिएट नहीं है, और दूसरा इसको हाथ से आप इस तरह से करिए कि कोई गैप इसके अंदर ना आए। मैं ये कैमरा से दिखा सकता हूँ, देखिए हाथ से अपने, क्योंकि बड़ी लंबी खेर है तो हमने हाथ से कर दिया इसको सेटिंग, पूरा फिलअप कर रहे हैं। अगर ये छोटी होती तो वो अपने आप ही फैल जाती पूरे उसमें। तो और थोड़ा डाल देते हैं और इसी तरह से हाथ से कर देते हैं, और इसके बाद में इसको लेकर नीचे थोड़ा प्रेशर कर दिया। प्रेशर में ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, अदरवाइज क्या होगा ये फंस जाएगा यहाँ पर, इसे खोलते समय हमें प्रॉब्लम होगा। तो अभी आप देखिए इसमें, देखिए कहीं कोई गैप नहीं है चारों तरफ, और ये हमारा जो सिलेंडर है वो बहुत अच्छे से बन के निकलेगा। हमने किनारे पर फिर से स्पॉनिंग कर दिया है।
अभी हम लोग सेकेंड लेयर इसमें डालना शुरू करते हैं। तरीका वही है कि आपको इसको घुमा के और पूरा चारों तरफ रहे, फिर से स्पॉनिंग कर दिया अच्छे से, स्पॉनिंग होने के बाद में फिर से हल्का सा हमने हेयर डाल दिया, जिससे कि प्रेशर में आपको स्पॉन को खराब ना करे ये पूरी तरह। और अच्छा होता कि अगर आप हल अपने साथ में एक छोटा सा इतना एक फीट जैसा डंडा रख सकते हैं, बांस का कोई पीस रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये चारों तरफ कॉर्नर में फिलअप करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक बार आप इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। तो हम लोग थर्ड लेयर पे जा रहे हैं अभी, थर्ड लेयर में इसको किनारे हमेशा ध्यान रखें, जो कॉर्नर्स हैं चार राउंड जो कॉर्नर है, कॉर्नर को फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, और वो हाथ से ही हो सकता है या फिर डंडे के थ्रू हो सकता है। तो अगर कॉर्नर फिलअप रहेंगे तो आपका सिलेंडर अच्छा बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कोई भी मशीन है इसलिए लोग मशीनों को ऑपरेट करने के लिए अलग ऑपरेटर भी लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास वो है नहीं सेटअप। तो आप आराम से जो भी पर्सन इसे करे उसको एक इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशन रखना है उसको। ये हो गया, अभी हमारा ये पूरा फिलअप अच्छे से होता आ रहा है। एक बार फिर से हल्का सा प्रेशर दिया और आप थर्ड लेयर की ओर अपने शुरू कर दिए। फिर से आप देख रहे हैं मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ किसी भी तरह का। इस बात का ध्यान रखना है, और जितना कंफर्टेबल आपका सामान होगा, ये खेर होगा या सबस्ट्रेट होगा, उतना ही आपका सिलेंडर अच्छे बनेंगे, ये तो आप सब जानते ही हैं। देखिए ये बड़ा होने की वजह से क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। लेकिन वही प्रेशर देंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ज़्यादा प्रेशर देने से मैंने बताया था आपको नीचे फंसने का चांस है। स्पॉनिंग करिए, लास्ट में थोड़ा हेयर डाल दीजिए, ये हो गया। अभी आपको इसको निकालना है, निकालने के लिए इसको हल्का सा उठाना है, खुल गया, और इसको ये आपका सिलेंडर तैयार है। इसको जब आप बांधेंगे ऐसे हल्का से हाथ से, पॉलिथीन को ऐसे रखिए, पकड़िए,